आमिर खान के ममेरे भाई तारिक अली खान 70 के दशक में रॉकस्टार कहलाए। उन्होंने कई सफल फिल्में की लेकिन बाद में इंडस्ट्री से गायब हो गए। सिंघम अगेन में सलमान खान का कैमियो कैंसिल कर दिया गया है। अजय देवगन और रोहित शेट्टी ने संवेदनशीलता कारणों से यह फैसला लिया। 35 साल पहले लता मंगेशकर ने पाकिस्तानी गाने को भारतीय फिल्म में गाया जो अब भी लोकप्रिय है। अनिल शर्मा की अपकमिंग फिल्म वनवास 20 दिसंबर को रिलीज होगी। यह फिल्म कलयुग की रामायण की कहानी को दर्शाएगी जिसमें अपनों का विश्वास दिखाया जाएगा। नागा चैतन्य और शोभिता धुलीपाला की शादी की रस्में शुरू हो गई है। शोभिता ने प्री वेडिंग फोटोज शेयर की है जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही है। करण जौहर का धर्मा प्रोडक्शन अब आधार पूनावाला के 50% हिस्सेदारी के तहत होगा। यह डील 1000 करोड़ में हुई है। धर्मेंद्र ने अपने करियर में यश चोपड़ा के साथ सिर्फ आदमी और इंसान फिल्म की थी जो 1969 में हिट हुई। यश चोपड़ा की डेथ एनिवर्सरी पर यह जानकारी साझा की गई।